हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का विवादों से पुराना नाता है। सपना एक बार फिर मुश्किल में फंस गई हैं, जिसके चलते सपना चौधरी की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। दरअसल सपना चौधरी पर शो के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप लगा है। ACGM शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई की अंतिम तारीख 30 अगस्त तय की गई है। सपना चौधरी ने फिलहाल इस मामले में कोर्ट से जमानत ले ली है। मामला 4 साल पुराना है। सपना चौधरी के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में केस दर्ज हुआ था। एक दरोगा ने सपना चौधरी के खिलाफ 2018 में FIR दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी का कार्यक्रम होना था, जिसकी टिकट की कीमत 300 रुपए रखी गई थी। शो की हजारों टिकटें बिकी थी, लेकिन सपना चौधरी निर्धारित समय पर स्मृति उपवन में कार्यक्रम देने नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। सपना चौधरी के ना आने के बाद शो को रद्द करना पड़ा और आयोजकों को नुकसान उठाना पड़ा। सपना चौधरी ने शो के लिए एडवांस में पैसे लिए थे, लेकिन कार्यक्रम ना करने के बाद उन्होंने आयोजकों को पैसा वापस नहीं किया, जिसके बाद आशियाना थाने में सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मनोरंजन जगत की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।